इस बड़े देश में बैन हुआ इस्लाम मजहब, तोड़ दी सारी मस्जिदें, शरणार्थी बनकर आए मुस्लिमों ने मचाया आतंक, अब रातों रात छिन गए इनके सारे अधिकार। धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहे इस्लाम धर्म को इस यूरोपीय देश ने दिया झटका। आज के समय में इस्लाम तेजी से दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों का धर्मांतरण कराना है। ऐसे में यूरोप के एक बड़े देश ने बड़ा फैसला लिया है, जिसने अब इस्लाम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, और वो देश है स्लोवाकिया। यूरोप में स्लोवाकिया देश में मुस्लिमों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, या यूं कहें कि उनके सारे अधिकार रातों रात छीन लिए गए हैं। वहाँ की जनता और सरकार ने पहले तो इनका स्वागत किया, इनको शरण दी, लेकिन इन्होंने उसी देश को डसना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव लाकर इस्लाम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहाँ हमारे भारत में सीए कानून बनाने में जहाँ सरकार के पसीने छूट गए थे, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। शाहीन बाग सहित देश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन हुआ, जबकि सबको मालूम था कि सीए कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, लेकिन फिर भी एक समुदाय द्वारा इसका विरोध हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया में सत्ता में मौजूद स्लोवाक सोशल डेमोक्रेसी पार्टी इस्लाम पर बैन लगाने के लिए कानून लेकर आई, तो विपक्ष पार्टी ने भी पूर्ण सहयोग देते हुए इसे पूर्ण बहुमत से पारित करवाया। इसके बाद स्लोवाकिया में इस्लाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। दोस्तों, कहने का ये अर्थ है कि स्लोवाकिया में अब कोई भी नागरिक खुद को एक मुसलमान के तौर पर रजिस्टर नहीं करा सकता है। यही नहीं, स्लोवाकिया में धर्म की लिस्ट में अब इस्लाम का नाम भी नहीं है। स्लोवाकिया में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की सरकार का ये मानना था कि इस्लामिक कट्टरपंथ व चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा है हमारे देश में। इस्लाम वो शिक्षा है जो मदरसों और मस्जिदों के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर समाज में नफरत पैदा करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में यहाँ मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी, जो देश की कुल आबादी का 0.1% था। 17वीं सदी के आसपास आर्य तुर्गवा ओएगेर मुस्लिम यहाँ फैल गए थे। स्लोवाकिया पहले यूरो स्लोवाकिया कहलाता था, परंतु आंतरिक कलह की वजह जब ये टूटा तो स्लोवाकिया एक अलग देश बन गया। यूरोस्लाविया के टूटने से बने देश बेस्निया व अल्बानिया भी थे। तमाम मुस्लिम यहाँ शरणार्थी के रूप में पहुँचे थे। स्लोवाकिया देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य जरूर है, परंतु ये सबसे बाद में इसका सदस्य बना है। वर्ष 2015 में यूरोप के सामने मुस्लिम शरणार्थियों का प्रवास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। उस समय स्लोवाकिया ने 2000 ईसाइयों को शरण दी, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से मना कर दिया। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनके यहाँ मुस्लिमों के धार्मिक इबादत संबंधी कोई जगह नहीं है, इसलिए मुस्लिमों को शरण देने से उनके देश में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने स्लोवाकिया के इस फैसले की आलोचना भी की थी, परंतु इसके बाद स्लोवाकिया ने ये कानून पास करके इस्लाम को हमेशा के लिए अपने देश में बैन कर दिया। यहाँ ये भी बताते चलें कि स्लोवाकिया में नियम और कानून सख्ती से पालन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ हर किसी को अपना पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखना होता है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए भी बड़ा कानून है। यहाँ आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हल्ला नहीं कर सकते, किसी से खराब व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा करने पर न सिर्फ पुलिस पकड़ती है, बल्कि मोटा जुर्माना भी हो सकता है। इस्लामिक चरमपंथियों के बढ़ते भय और लगातार बढ़ते प्रवासी संकट के बीच इस देश के राजनेताओं ने समस्या पर गंभीर विचार किया, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। यहाँ के मुसलमान या तो किराए के घरों में रहते हैं या फिर अस्थायी प्रार्थना घरों में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्लोवाकिया एकमात्र वो देश है जहाँ मुसलमानों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म को मानने वालों को यहाँ कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। आपकी स्लोवाकिया देश के इस नए कानून पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।